बच्चों यहाँ पे भी मैं वही कोशिश करने वाला हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन, साइन टू एक्स वन प्लस साइन टू एक्स कॉस टू एक्स वन प्लस साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स निकालना है। गॉट? तो मैं बहुत सारे फॉर्मूला है, अभी कॉस टू एक्स का फॉर्मूला डालो साइन टू एक्स पर। मैंने जो प्रीवियस जो वीडियोस थे या प्रीवियस वीडियो में दो दो क्वेश्चंस करवाए थे वहां पे मैंने ये चीज फोकस की थी। साइन टू एक्स उसका टेन में ट्रांसफॉर्मेशन, कॉस टू एक्स उसका टेन में ट्रांसफॉर्मेशन और टेन टू एक्स उसका टेन में ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिगार्डिंग टू दिस मैं उसी को लेके जा रहा हूँ कि एक की एक चीज बार बार आपके सामने आएगी, आप ढंग से उसको मतलब पॉपअप कर लेंगे। तो अब आगे बढ़ने से पहले साइन टू एक्स का टेन में ट्रांसफॉर्मेशन, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कॉस टू एक्स का टेन में ट्रांसफॉर्मेशन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सेम थिंग डन ओवर फॉर द डिनोमिनेटर, टू टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ऊपर और नीचे से बच्चों एलसीएम क्या आएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स वो ले लो और वन से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पे तो रहेगा, ये वन से मल्टीप्लाई होगा। योर टू टेन एक्स इज एज इट इज, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज एज इट इज। बच्चों मैं एक चीज बोलूंगा, एलसीएम ऊपर और नीचे से वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट वे, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स टू टेन एक्स माइनस वन माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कैंसिल क्या होगा बच्चों, मैं अगर बोलूँ तो ऊपर जो कैंसिल होगा वो टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स, वन प्लस वन क्या होगा टू, तो टू प्लस टू टेन एक्स नंबर वन, जो डिनोमिनेटर में माइनस वन प्लस वन कैंसिल और दूसरा इसके अलावा टू टेन एक्स और टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, तो टू टेन एक्स प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स, वेरी इजी। ऊपर से टू कॉमन आएगा तो वन प्लस टेन एक्स, नीचे से टू टेन एक्स कॉमन आएगा तो वन प्लस टेन एक्स, वेरी इजी। वन प्लस टेन एक्स कटेगा और टू भी कटेगा तो रिमेनिंग इज वन बाई टेन एंड दैट इज सेम एज कॉट एक्स एंड दैट इज सेम एज योर आर एच एस, वेरी इजी। देख लो एक बार आराम से, देखो एक और क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएंगे रिगार्डिंग टू दिस। क्वेश्चन नंबर शायद मतलब नंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू, टेन ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू इक्वल्स टू टू इंटू sec x LHS, tan pi by 4 plus x by 2, tan pi by 4 minus x by 2। जहां तक बच्चों सवाल इसका है तो इसके ऊपर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि tan x plus y का। देखो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना बच्चों, दिस वन इज योर x, दिस वन इज योर y, दिस वन इज योर x, दिस वन इज योर y, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस जो फॉर्मूला है वो भी हमारे लिए मतलब काम आएंगे।
हो सकता है कि मल्टीपल सब मल्टीपल का एक ही स्टेप आएगा, बाकी पूरा क्वेश्चन उसी प्रीवियस फॉर्मूला से ही चलेगा या सिंप्लीफिकेशन से। यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है। देखो 10x plus y का फॉर्मूला, तो 10x plus 10y upon 1 minus 10x into 10y। जैसे कि हमारे केस में x pi by 4 है और y x by 2 है। 10x minus y का फॉर्मूला 10x minus 10y 1 plus 10x into 10y। 10 pi by 4 की वैल्यू 1 है, 1045 1, जहां जहां 10 pi by 4 दिखता है वहां पे 1 लगा दो, तो 1 plus 10x by 2, but 1 into 10x by 2, 10x by 2, 1 minus 10x by 2, 1 plus 10x by 2। अब सिंप्लीफिकेशन ओरिएंटेड हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 1 plus 10x by 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर, 1 minus 10x by 2 से मल्टीप्लाई होगा होल स्क्वायर, और नीचे मैंने लिख दिया ये LCM 1 plus 10x by 2 1 minus of 10x by 2। Now what happen here, मेरी बात ठीक से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ मैं आगे बढ़ने के लिए इसको a plus b होल स्क्वायर। अब मैंने बोला ना कि यहाँ पे शुरुआत कहाँ से हुई, 10x plus y के फॉर्मूला से, और यहाँ पे 10x minus y, फिर 1045 10 pi by 4 की वैल्यू 1 लगा के सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ दिस विद दिस, दिस विद दिस, और एलसीएम डाला गया है नीचे। अब फर्स्ट वन ए प्लस बी होल स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा तो 1 plus 2 10x plus 10 square x, सेकंड ए माइनस बी 1 minus 2 10x plus 10 square of x by 2, और डिनोमिनेटर में m plus n m minus n difference of 2 perfect square, this one cancel, 1 plus 1 2, 2 plus 2 10 square x, 1 minus of 10 square x। अब बच्चों मेरी बात सुनो, यहां से तो मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा, 1 1 minus 10 square x। देखो एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ के करवाया था कि यहाँ पे मैं उसका एडवांटेज लूंगा, ये 2 तो एज इट इज, 1 minus 10 square x, मोर इंपॉर्टेंटली ये जो 1 plus 10 square x है ना उसको मैं डाउन कर रहा हूँ, तो ऊपर से मैं किसके अपॉन में लगा देता हूँ 1 minus 10 square, इसको मैंने डाउन किया, तो ये जो चीज है वो ऊपर से डाउन होके यहाँ पे आ गई है, आप लोग समझ रहे हो। तो अब मैंने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे फोकस करो, 1 minus 10 square x, 1 plus 10 square x, वो क्या होगा cos 2x, समझ रहे हो। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा, एक चीज है बच्चों, यहाँ पे x by 2 है, तो हर जगह पे मिलेगा x by 2, x by 2, तो ये x square by 2, this one is also x by 2, x by 2, तो x by 2, x by 2, तो अब cos 2x, चलो सर थोड़ा और भी डिटेल में चले जाते हैं, तो cos x, एंगल हाफ करना है तो 1 minus 10 square x by 2 upon 1 plus 10 square x by 2, तो यहां से मैंने 1 plus 2 10 x by 2, 10 square x by 2, 1 minus 2 10 x by 2, 10 square, same thing, बाकी सब तो ठीक है, पर ये जो नंबर है वो किसके बराबर हो जाएगा, cos x, and 1 upon cos क्या होगा sec, and that is same as your RHS, तो ये आपका RHS हो जाएगा, ढंग से देख लो। अच्छा